वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं नली नेहारी। इसके लिए हमने बीफ का गोश्त ले लिया 2 किलो, सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं 2 अदद, इन्हें हमने बारीक चाप कर लिया। अदरक हमने ले लिया 2 इंच का टुकड़ा, उसे भी हमने बारीक चाप कर लिया। सब्ज़ धनिया ले लिया 3 टेबल स्पून, हमने ले लिया व्हीट फ्लावर। दही ले लिया 1 प्याली, 3 टेबल स्पून हमने ले लिया नेहारी मसाला, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून सूरख मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून हमने ले लिया लहसुन और अदरक की पेस्ट। लेंगे एक पान, उसमें ऐड करेंगे 1/3 कप ऑयल, ये ऐड कर दें। इसके साथ ही हम लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे, उसे कर लें चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स। हमारा लहसुन हो जाए ब्राउन, फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना बीफ। ये देखिए हमारा लहसुन हो गया ब्राउन, अब हम इसमें अपना बीफ ऐड करेंगे। जैसे हमने बीफ को ऐड करके इसे अच्छी तरह से भून लेना है 5 से 7 मिनट। 5 मिनट हो गए हमें बीफ को अच्छी तरह से भून लेना है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, नमक मिर्च और निहारी मसाले ऐड कर दें। इसके साथ ही हम दही ऐड कर दें। इसके साथ में अच्छी तरह से मिक्स, देखिए हमने दही और मसाला अच्छी तरह से कर लिया मिक्स। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसे हमने 15 से 20 मिनट के लिए कुक करना है दरमियानी आंच पे। 20 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। हम लेंगे पान, उसमें ऐड करेंगे अपना मैदा। इसे ऐड करके दरमियानी आंच पे 5 से 6 मिनट तक इसे भून ले। ये देखिए 5 मिनट हो गए, हमारा मैदा कितनी अच्छी तरह से भून गया। अब हम इसे बाउल में ऐड कर देंगे। देखिए हमने मैदा बाउल में ऐड कर दिया। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स ताकि गुठलियां ना बने। हमारा मिक्सचर हो गया तैयार, अब हम इसे नहारी में ऐड करेंगे। देखिए 20 मिनट हो गए, हमारा बीफ कितनी अच्छी तरह से गल गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे व्हीट फ्लोर। देखिए हम साथ साथ जो चमचा हिलाते जाएंगे, साथ साथ हम इसे डालते जाएंगे ताकि गुठलियां ना बने। देखिए इसे हमने 5 से 10 मिनट तक इसी तरह तेज आंच पे पकाना है ताकि इसमें हमने जो मैदा ऐड किया अच्छी तरह से बीच में पक जाए। 10 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। हो गया हमारी नहारी हो गई है तैयार, अब हम इसे एक बाउल में ऐड कर लेंगे। देखिए हमने नहारी बाउल में ऐड कर दी है, अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। हम एक पान लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, ये ऐड कर लें। 1/2 टीस्पून हम ऐड करेंगे सूरख मिर्च, इसे कर लें अच्छी तरह से मिक्स। ये हमारा तड़का हो गया तैयार, अब हम इसे नहारी के ऊपर ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसके ऊपर ऐड करेंगे सब्ज धनिया। अपनी चॉप की हुई अदरक ऐड कर दें, सब्ज मिर्ची ऐड कर। नाज़रीन हमने अपनी निहारी कर ली है डिश आउट, ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शुक्रिया।